आपका बीसीएन न्यूज के हिंदी बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए खबर देखते हैं विस्तार से। धारणी शहर में दही हांडी उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन युवा स्वाभिमान पार्टी ने किया था। इस कार्यक्रम में सिने अभिनेता आदित्य पंचोली विशेष अतिथि थे। इस अवसर पर मेलघाट के लोगों ने बारिश की मौजूदगी में पूरी दही हांडी का आनंद लिया। राणा ने आदित्य पंचोली के जय श्री राम जय श्री हनुमान के नारायण के साथ पूरे मेलघाट निवासियों का दिल जीत लिया और हजारों नागरिक दही हांडी उत्सव में शामिल हुए। टीम ने धारणी शहर में युवा स्वाभिमान संगठन के दही हांडी कार्यक्रम में भाग लिया। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि कार्यों में बैलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बैलों के प्रति कृतज्ञता पूर्वक पूजन का त्यौहार है पोला। छिंदवाड़ा जिले के सोनसर तहसील क्षेत्र में पोला पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी के अंतर्गत आने वाले रंगारी रंगारी सापर मेहंती मोकरा वैरागढ़ मंकुरली सवनी और साथ ही घोटी सहित अन्य गांव में उत्साह का माहौल रहा। रंगारी में सुबह से ही किसान बैलों को नहला धुलाकर सिंगों को कलर व सजावट करने में लगे रहे और शाम के समय बैल जोड़ी बाजे गाजे के साथ स्थानीय गांधी चौक में पोला मनाने के लिए मैदान में पहुंचे, जहां परंपरा के अनुसार तोरण के नीचे बैलों को गुड़ी खिलाकर तोरण तोड़ा गया। रंग बिरंगी परिधानों से सजी बैल जोड़ियां आकर्षण का केंद्र रही। पोला त्योहार में बैलों के घंटियों की आवाज गूंज रही थी। वहीं बच्चों सहित आम जनमानस ने इस त्योहार का लुत्फ उठाया। परंपरा के अनुसार गांधी चौक में तोरण बांधने के बाद किसानों ने तोरण तोड़ने के पश्चात बैल जोड़े घर में लाकर गृहणियों ने उन्हें पूरन पूरे खिलाकर पूजा अर्चना की तथा बैल जोड़ियों को घर घर में पूजा करने के लिए घुमाया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व विधायक विठल राव महाले, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला महामंत्री आनंद ठाकरे, प्रमोद चंद्रयान, पंकज ठाकरे, रामदास ठाकरे, शांताराम नागपुरकर, सुधाकर बोरकर, नीलेश गाड़के, साधु डोंगरे, विनोद ठाकरे सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से गजानन बोरकर की रिपोर्ट। अकोट SDPO ऋतु खोकर की दबंग कार्रवाई। अकोट विभाग के अंतर्गत तिलहारा में की गई कार्रवाई में 11 लाख से अधिक का अवैध गुटखा माल जब्त किया गया। एक पान मसाला प्रतिष्ठा के मालिक के निवास और गोदानों में कार्रवाई की गई। गुप्त जानकारी के अनुसार सहायक पुलिस अधीक्षक ऋतु खोकर को मिली जानकारी के आधार पर तेलारा शहर के प्रतिष्ठान में गुटखा अवैध कारोबार चल रहा है। इस माहिती के आधार पर DPO ने अपने दल के साथ कार्रवाई की। कार्रवाई में 11 लाख से अधिक का माल जब्त कर रवि फुलवंदे इन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। कार्रवाई में SDPO ऋतु खोकर के साथ कादिर कौली, शेख सलमान, अभिजीत पांडे, गौरव डाबेराव ने कार्रवाई की है। NBCN न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट। विगत 15 वर्षों के अधिक समय से चलते आ रहे इस कार्यक्रम में पीली मारवत एवं काली बड़गया को श्रीनगर परिसर भ्रमण कराते हुए वाजपेयी चौक में दहन किया गया। आयोजक रिटायर्ड PSI दिलीप मिश्रा, कलाकार समिति जगदीश तिड़के, उज्जवल दवारे, रमेश दवारे, चौरागढ़ी दिवेश, मोगली निवारे एवं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित विकास मिश्रा, पंकज मिश्रा, राजेश वाड़ाई, किरण वघारे, नितिन खाड़े, शुभम पांडे, अंडा पांडे एवं वार्ड के सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। भ्रमण मालवीय स्कूल के पास से दिल्ली दवाखाना, MK Pan Shop से मणि चौक से चौहान चौक से जेतवन बौद्ध विहार होते हुए पंशल झंडा चौक होते हुए तुलस्कर एरिया होते हुए संपूर्ण बड़ा कुआ परिसर मुन्ना चौक से वाजपेयी चौक में मारवत एवं बड़गया की अंत्येष्टि की गई। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। हिंगनघाट में बच्चों का नंदी पोला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर नंदी पोला का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। नंदी पोले के दौरान बच्चों की खुशी आसमान छूती दिखाई दी। इस वक्त कई बाल गोपालों ने सुंदर पोशाकें पहनकर इस नंदी पोले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बाल गोपालों ने अपने लकड़ी की नंदी बैल को उत्कृष्ट सजाकर पोले में सहभाग लिया था। पोला आयोजन समिति ने शानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया था। तोरण, पताका और बैंडबाजी के साथ कई उद्घोषणाओं ने माहौल को आनंदमय कर दिया था। इससे बच्चों का उत्साह और बढ़ गया था। इस मौके पर बच्चों को कई तरह के उपहार दिए गए। NBCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनौरकर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अंतर्गत एवं श्री गणेश ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था गोंदिया की ओर से एवं महात्मा ज्योतिबा फूले किसान उत्पादक कंपनी काटी बिरसोला की ओर से गुरुवार 14 सितंबर को दोपहर 2 बजे काटी बिरसोला के प्रांगण में महात्मा ज्योतिबा फूले कंपनी द्वारा कृषक मार्गदर्शन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विजय बहकर सचिव श्री गणेश ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था गोंदिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
अनिल रावत डीजीएम नाबार्ड पुणे, अविनाश लाड डीडीएम गोंदिया, नरेंद्र मड़ावी एलडीएम गोंदिया, राहुल गणवीर संचालक आरसीटी गोंदिया, दिलीप अग्रवाल सामाजिक कार्यकर्ता गोंदिया, जगलाल चौधरी अध्यक्ष, महात्मा ज्योतिबा फुले कंपनी एवं अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। नाबार्ड पुणे के डीजीएम अनिल रावत ने अपने भाषण में सबसे पहले सभी किसानों को पोला त्योहार की बधाई दी, फिर कंपनी के अधिकार और कर्तव्य क्या है, बिजनेस कैसे करें, बिजनेस टर्नओवर कैसे करें, बिजनेस में मेहनत कैसे करें, कैसे कंपनी का चालू खाता बनाना, कंपनी में आने वाले समस्याओं से कैसे निपटना है, इसका समाधान करना चाहिए, कंपनी के माध्यम से कोई बड़ा उद्यम व्यवसाय शुरू करने के लिए समाधान योजना तैयार करनी चाहिए, जैसे कैप्सूल खाने का मतलब है कि किसी व्यक्ति की बीमारी ठीक हो गई है, कंपनी के माध्यम से कंपनी के विकास के लिए कड़ी मेहनत करना निदेशक का कर्तव्य है और कंपनी कैसे लाभप्रद रूप से चले इसके लिए भी कड़ी मेहनत करना आवश्यक है। अविनाश लाड डीडीएम गोंदिया ने शेयर होल्डर को बढ़ाकर कंपनी को अपना विकास कैसे करना चाहिए और व्यवसाय को बढ़ाकर कंपनी का विकास कैसे करना चाहिए इस विषय पर व्याख्यान दिया। अध्यक्ष भाषण में श्री गणेश ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था गोंदिया के विजय बाहेकर ने कंपनी के विकास कार्यों में कंपनी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया और गांव-गांव में बैठकें कर कंपनी का विस्तार किया। कंपनी के स्मार्ट प्रोजेक्ट से 1,40,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए। संगठन कंपनी के विकास के लिए क्या काम करेगा इस विषय पर व्याख्यान दिया गया। जगलाल चौधरी अध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले फर्मा प्रोड्यूस एंड कंपनी कार्टी बिरसोला ने परिचयात्मक मार्गदर्शन में कंपनी के शेयर होल्डर के माध्यम से किए गए विभिन्न कार्यों कंपनी के टर्नओवर विषय पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम का संचालन गजानन आरो ने प्रबंधक श्री गणेश ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था गोंदिया ने किया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन केशव नागफा से संचालक महात्मा ज्योतिबा फुले फार्मर प्रोड्यूस एंड कंपनी कार्टी बिरसोला ने किया और इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। उपस्थित हुए इसलिए मैं सबका आभारी हूँ। इसी के साथ मैं अनिल रावत सर को बताना चाहता हूँ कि नाबार्ड के तरफ से 3 साल का सहयोग होगा, तो 3 साल नहीं मैं आजीवन इनका साथ हूँ, जब तक सक्सेस नहीं होगी तब तक श्री गणेश इनके साथ हूँ, मैं ये वादा करता हूँ। और आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि जब भी बुलाए मैं कभी आया नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी उनके साथ में बोल भी रहा हूँ। ये नाबार्ड के प्रोग्राम मिलने के 2 साल पहले से ही मैं इस एरिया में निरंतर इसका विकास हो करके कोशिश करके आ रहा हूँ। इसका प्रोजेक्ट मिला हुआ 61 सब्सिडी ड्राइवर स्मार्ट 15,00,000 का नाबार्ड से नैपकिन का 15,00,000 का मंजूरी हुआ। शुरू करें हमारे यहाँ 5 टन माल यहाँ डेली बिकता है, डेली बिकता है, आप सब लोग आए इसलिए थोड़ा हम कुछ करना चाहते हैं, चाहते हैं कि चीज़ हमको फ्री की मिल जाए, है ना, ये और किसान को बनाए कंपनी, सोसाइटी नहीं कंपनी। और कंपनी का मतलब ये है कि उसमें सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, चीज़ें उसमें ऑनलाइन है, पास गाँव के 10 सोसाइटी बनती है वहीं बिजनेस कर सकती है। फिर अगर आप सोसाइटी के इस सोसाइटी के मेम्बर हैं तो उस सोसाइटी को उठा नहीं ले सकते, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, और ये सोसाइटी को बेच नहीं सकती। कंपनी एक्ट में, कंपनी में ये है कि भाई कंपनी कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यवसाय कर सकती है, किसी जिले में किसी तहसील में कोई मेम्बर हो सकता है, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, इसमें किसी MP MLA के कहने पर नहीं हो सकता है। एक बात, अगर आपने कुछ उसके कहने पर कर भी दिया तो अगर कंपनी एक्ट में कोई चीज़ जो पूरा करनी है वो नहीं कर पाए तो आपके खिलाफ क्या होता है कि पेनाल्टी और वारंट वो सब जारी हो जाता है, तो रिस्क इतना कौन लेगा। सोसाइटी में ऑडिट होता है, 10,00,000 का बिजनेस करो, 5,00,000 बिजनेस दिखा दिया आपने, ऑडिटर को दे दिया 1,000 रुपये मैनेज हो जाता ना, कंपनी एक्ट में नहीं हो सकता है। किसान एक साथ आते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनकी जरूरत को पूरा अगर किया जा सकता है। इसे किसान के अगर हम 2 भाग करते हैं, पहला भाग ये है कि हम किसान हैं, हमारी क्या जरूरत है, हमको सबसे पहला क्या चाहिए होता है, खाद बीज दवाइयाँ कुछ इंप्लीमेंट्स वो सब चाहिए खेती के लिए, लगाते हैं पैदावार से पहले। हर किसान अलग अलग जाके लाता है, अलग अलग रेट पे लाता है, ठीक है ना। अगर इस चीज़ को हम अगर 10 मीट्रिक टन हमको अगर खाद चाहिए तो अगर हम इकट्ठा किसी कंपनी से लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सस्ती मिलती, थोड़ा बार्गेनिंग होती है, दूसरा क्या है टाइम पे मिलता है, और जब इतना बल्क लेते हैं तो क्वालिटी भी उसमें अच्छी मिलने की संभावना होती है। किसान का दूसरा भाग
आपने सब कुछ कर दिया, उत्पादन कर दिया, हम 10 क्विंटल करके बेचने जा रहे हैं, ट्रैक्टर हो जा रहे हैं 5 क्विंटल, बोले जा रहे 50 क्विंटल, मेरा भी टाइम जा रहा है, इसका भी टाइम जा रहा है, ट्रैक्टर 1000 या 500 किसान है, आप उसकी देखिए कि जरूरत क्या है, उस जरूरत को एक उसमें बनाइए कि हमारी कितनी जरूरत है, कितना एनपीके चाहिए, खाद चाहिए, डीएपी चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, दवाइयाँ कितनी लगती किसान की, आप डायरेक्ट कंपनी से बात करिए, उनको पैसा आरटीजीएस में दीजिए, वो ट्रक भेजेगा, सारा सामान आ गया, आप किसान को कहीं जाना भी नहीं है, बैठे बैठे यहाँ सब काम हो। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। फिलहाल हिंदी बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ, नमस्कार।